वरुण गांधी हाल के दिनों में चर्चा में आया वो नाम जो बहुत दिनों से अपनी ही पार्टी में किनारे चल रहा था, अपनी ही पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी में वरुण गांधी यानी पीलीभीत से बीजेपी के सांसद, और एक बार से नहीं दो बार से। उनकी मां मेनका गांधी बीजेपी की वरिष्ठ नेता रहीं, पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं मोदी मंत्रिमंडल में, लिहाजा उन्हें बीजेपी का एक मजबूत स्तंभ कहा जाता था। लेकिन ये दोनों ही चेहरे गांधी परिवार का भी हिस्सा है, वही गांधी परिवार जिस पर बीजेपी की तरफ से जमकर हमले किए गए। वरुण गांधी की राजनीति को लेकर अब लोगों के जहन में खासी दिलचस्पी है। वरुण गांधी अभी तक चर्चा में नहीं थे, चर्चा में नहीं थे ये तो है ही, साथ ही साथ उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। खुद वरुण गांधी इस बात को तय नहीं कर पा रहे, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उनको कोई भूमिका मिलेगी। अब सवाल ये बरकरार हो रहता है कि आखिर 2024 में वरुण गांधी की पॉलिटिक्स क्या होगी। बीजेपी से वो लगातार नाराज चल रहे हैं और राहुल गांधी की तरह वो बयान देते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी से नाराजगी क्यों है? बीजेपी से नाराजगी की पहली वजह यह है कि दो बार सांसद बने, मंत्री तो छोड़िए, संगठन हो या किसी लिहाज से, उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई, किसी किस्म का कोई प्रमोशन नहीं मिला, जहां थे वहीं के वहीं बने हुए हैं। दूसरी नाराजगी की बात यह है कि अभी जब आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे तब भी उनका नाम बहुत जोर शोर से चर्चा में आया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में भी वो किनारे कर दिए गए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वरुण गांधी वो वरुण गांधी नहीं है कि सिर्फ मेनका गांधी के बेटे थे इसलिए उनको टिकट मिल गया चुनाव लड़ गए, लंबा समय उनका भी राजनीति में हो गया, अच्छे खासे भाषण देते हैं, राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी की भाषा का मतलब है नफरत को बढ़ावा देने वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए, भाई से भाई को तोड़ने वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसे सारी बातें बोल रहे हैं जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बोलते रहे। लिहाजा ये अंदाज लगाया गया कि वरुण गांधी राहुल गांधी के सुर से सुर मिला रहे हैं, लेकिन खुलकर क्या दोनों साथ में आएंगे ये बड़ा सवाल रहा था। अब इस सवाल में कहां तक पहुंचे हैं वरुण गांधी और कहां तक पहुंचे हैं राहुल गांधी, इसका जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं और वरुण गांधी खासे चर्चा में बने हुए हैं। क्या बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने की तैयारी कर रहे हैं वरुण गांधी, ये भी एक सवाल है। वरुण या मेनका के पास पार्टी संगठन में कोई पद नहीं है, जबकि वरुण भाजपा के सबसे युवा महामंत्री रहे हैं, तभी सवाल ये है कि अब वो आगे क्या करेंगे। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि वो न कांग्रेस के खिलाफ है न नेहरू के खिलाफ है, क्या इससे कांग्रेस में उनके लिए रास्ता खुलता है? इस बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा था कि उनको दिक्कत नहीं है लेकिन भाजपा जो है वरुण के लिए मुश्किल पैदा करेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस बात को कई किस्म से पेश किया गया कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। भारत जोड़ो यात्रा में वरुण गांधी के शामिल होने को लेकर यह बात पूछी गई थी और वो सभी का स्वागत है, राहुल गांधी ने यह बात कही थी, लेकिन वो बीजेपी में है तो शायद उनको प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह से उस बात का जवाब दिया गया था। इसका अंदाजा ये लगाया गया कि जब तक वो बीजेपी में है तब तक समस्या का विषय है, बीजेपी छोड़कर आ जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या कांग्रेस उन्हें स्वीकार करेगी, कर सकती है। वरुण गांधी इतने दूर भी नहीं है अपने परिवार से और कांग्रेस से, उन्होंने ये कहा भी है, खुलकर भी कह रहे हैं कि अब मुझे ना तो कांग्रेस से कोई शिकायत है या दिक्कत है, ना ही पंडित नेहरू से कोई दिक्कत है। सांसद हैं, सीएम दावेदार, और फिर लगा एकदम से साइड लाइन हो गए वरुण गांधी, ये सफर जरा समझने जैसा है। 2009 में 29 साल की उम्र में वरुण गांधी पहली बार पीलीभीत सीट से सांसद बने। ये सीट उनकी मां मेनका गांधी की थी। वरुण का राजनीतिक कद जो है और उनकी लोकप्रियता है वो चरम पर पहुंची और हिंदुत्व के फायर ब्रांड युवा नेता बनकर वो उभरे। बीजेपी ने उन्हें कई राज्यों में प्रचार करने की जिम्मेदारी दी, स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल थे वरुण गांधी। वरुण गांधी के धारदार भाषण जो है वो काफी वायरल हुए, काफी लोकप्रिय हुए एक समय था, लेकिन अचानक से आपने देखा वरुण गांधी गायब, वरुण गांधी की कोई जरूरत नहीं है, अब एक से एक धारदार बयान देने वाले और भाषण देने वाले लोग आ गए। वजह क्या है, काम के क्यों नहीं रहे वरुण गांधी? 2013 में पार्टी ने पहली बार वरुण गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया, उन्हें 42 लोकसभा सीटों वाली पश्चिम बंगाल का प्रभार तक सौंपा गया था। वरुण के लगातार हो रहे प्रमोशन के बाद माना जा रहा था कि वो उत्तर प्रदेश बीजेपी में सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार होंगे, लेकिन पिछले 9 सालों में स्थिति बिल्कुल उलट गई है। वरुण गांधी बीजेपी में पूरी तरह से साइडलाइन किए जा चुके हैं, पार्टी ने पिछले साल उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पद से भी हटा दिया, 2024 के चुनाव में उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा इस बात की भी चर्चा चल रही है।
अब वरुण निश्चित तौर पर इतनी बातों के बाद बीजेपी से नाराज क्यों नहीं होंगे? वरुण हाईकमान के खिलाफ लगातार मुखर रहने की वजह से पिछले 10 सालों से बीजेपी में हाशिए पर है। पिछले कई सालों से अपनी ही सरकार पर जमकर हमलावर रहे हैं वरुण गांधी। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से बीजेपी के लोकसभा सांसद वरुण गांधी की पार्टी के खिलाफ बयानबाजी लगातार जारी है। खुलकर नहीं कहते हैं, लेकिन इशारों इशारों में वो अपनी पार्टी के लिए काफी मुश्किलें या काफी असहजता पैदा कर देते हैं। हो सकता है वरुण गांधी इससे इशारा कर रहे हो कि देख लो आपका निर्णय क्या है, बता दो। बीजेपी का एक तरीका रहा है, नाराज लोगों को ज्यादा छेड़ा नहीं गया, बयानबाजियां होती रही। बहुत सारे ऐसे चेहरे आए और गए, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, बहुत सारे ऐसे चेहरे आए जो बीजेपी से नाराज चलते थे और उनकी बयानबाजी होती रही, बीजेपी ने छेड़ा नहीं। तरीका एक ही है, खुद ब खुद आप अपना रास्ता तलाश लो। फिर हुआ भी, वरुण गांधी केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के सबसे सदे हुए और वस्तुनिष्ठ आलोचक के तौर पर उभरे। वो पिछले कई महीनों से लगातार सरकार की आलोचना कर रहे हैं, वो सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष का काम कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, मनसुख मांडविया को चिट्ठी लिखी, अखबारों में लेख लिख रहे हैं। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान भी वरुण गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था, तो धीरे धीरे उन्होंने माहौल बनाया। लेकिन जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश की तरफ आ रही थी, तो वरुण गांधी के राजनीतिक बयान या इस यात्रा के दौरान बयान बढ़ते चले गए। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि उभरती हुई नई कांग्रेस में वरुण गांधी के लिए कोई जगह बन सकती है, वो भी तब, जबकि अब ये वो कांग्रेस नहीं है जहां पर जगह बनाना या सीट हासिल करना बहुत मुश्किल काम होता था, टेढ़ी खीर होती थी। और वो परिवार वाला जो विवाद था वो भी पुराने समय की बात हो गई। अब यहाँ पर तीनों भाई बहन है, राहुल, प्रियंका और वरुण। सोनिया जी, उनका भी लगभग रिटायरमेंट का समय है। मेनका गांधी बहुत लंबा समय राजनीति में दे चुकी हैं और ये उसी दौर की अदावत है। परिवार की अगर बात की जाए तो संजय गांधी की सीट, राजीव गांधी का चुनाव लड़ना, लंबी कहानी हो गई इसकी, इस पर डिटेल रिपोर्ट भी आपको दिखाई है। वो दौर गुजर गया, अब ये लोग बड़े हो चुके हैं, राजनीति की दूसरी पीढ़ी तैयार है। तो क्या वरुण, राहुल और प्रियंका साथ में आ सकते हैं? इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इसके लिए बड़े मुफीद मौके दिखाई देते हैं। अब ऐसे में आइए वरुण गांधी के राजनीतिक सफर पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आप वरुण गांधी को हल्के में नहीं ले सकते। वरुण गांधी ने भी राजनीतिक तौर पर अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए काफी काम किया है। 2004 में बीजेपी का दामन थामा था वरुण गांधी ने, और सुल्तानपुर से बीजेपी के सांसद, उस समय पे जो सांसद थी मेनका गांधी, उनके बेटे हैं वरुण गांधी। मेनका गांधी ने 2004 में बीजेपी का दामन थामा, तो इसके साथ ही वरुण गांधी का भी बीजेपी के साथ राजनीतिक सफर शुरू हो गया। हालांकि पार्टी ने उन्हें 2009 में पीलीभीत से पहली बार लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था। पीलीभीत खासतौर पर मेनका गांधी की कार्यस्थली रही थी। 2009 के चुनाव में वरुण गांधी ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से यहाँ से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में पार्टी ने सुल्तानपुर से वरुण गांधी को उम्मीदवार बनाया था। उनकी पीलीभीत सीट पर मेनका गांधी को टिकट दिया गया था। इस चुनाव में भी वरुण गांधी ने 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी और मेनका को 2014 में बीजेपी सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। इसके बाद 2019 में फिर सीटों को उलट दिया गया, बीजेपी ने वरुण गांधी को फिर से पीलीभीत से सीट से उम्मीदवार बनाया, जबकि मेनका गांधी को सुल्तानपुर से मैदान में उतारा। वरुण गांधी और मेनका गांधी ने चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की, लेकिन इस बार मेनका गांधी को मंत्री नहीं बनाया गया और वरुण गांधी को भी मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि ये माना जा रहा था कि हो सकता है मेनका गांधी जी को मौका मिल चुका है तो अब बारी जो है दूसरी बार सांसद बने वरुण गांधी की होगी। युवाओं की खासी चर्चा भी हो रही थी। वरुण गांधी की नाराजगी साफ तौर पर देखी गई, ना तो उनकी माँ को मंत्री बनाया गया, ना उन्हें मंत्री बनाया गया। बहरहाल इसके करीब 1 साल बाद मेनका गांधी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जगह नहीं दी गई और ये नाराजगी को और बढ़ाने वाला था। यानी एक तरीके से गांधी परिवार के इस हिस्से को जो बीजेपी साथ जुड़ा हुआ था उसको एक किनारे कर दिया गया। बहुत ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हो रही थी इनकी। गांधी परिवार पर जिस तरह से हमले करते थे, जो बातें कहते थे, उसके बाद में एक गांधी परिवार का हिस्सा इधर साथ में भी था। संजय गांधी की पत्नी है मेनका गांधी और उनके बेटे हैं वरुण गांधी। इंदिरा गांधी के बेटे थे संजय गांधी। तो इंदिरा गांधी जी की एक पीढ़ी जो है वो यहां पर, या परिवार का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी के साथ बना हुआ था। तो हो सकता है बीजेपी में एक असहजता हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वरुण गांधी से फायदा कितना हो रहा है और वरुण गांधी के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने को लेकर जो कवायद की गई, जो प्रयास किए गए, उससे भी ऐसा माना जाता है कि केंद्र का जो नेतृत्व है वो नाराज हो गया उनसे। और ये नाराजगी इतनी बढ़ गई क्योंकि पद के लिए पहले ही कई ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया या जिनके कद को घटा दिया गया, जिनको डिमोट कर दिया गया। और ये देखा गया, ये तरीका है अभी वर्तमान में जो नेतृत्व है बीजेपी का, कि कौन पार्टी के साथ बना रहता है, कौन पद के लिए है और कौन पार्टी के लिए है।
तो वरुण गांधी की इस नाराजगी से ये साबित हुआ कि जो अभी तक परिपाटी चली आ रही है बीजेपी की, उससे थोड़ा सा इतर उनका व्यवहार रहा। और वरुण भी क्या करें, वरुण की समस्या को भी समझिए, कब तक इंतजार करेंगे जब उनको सीधे संकेत मिल रहे हैं। अच्छा, कोई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो समझ में आता है, कोई ऊपर से नीचे गिर रहा है यानी लगातार ग्राफ में गिरावट आ रही है तो कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। इसका मतलब है कि अब हम काम के नहीं रहे, काम के नहीं रहे तो अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में वरुण गांधी को सोचना पड़ेगा। एक समय था जब पार्टी में कई पदों पर रहे वरुण गांधी, लेकिन 2014 के बाद उनका कद लगातार घटता चला गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिलने के बाद वरुण गांधी पार्टी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी ने तो केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पार्टी के ज्यादातर फैसलों पर उन्होंने न केवल नाराजगी जताई बल्कि खुले मन से पार्टी के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। हालांकि एक वक्त था जब राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो वरुण गांधी की पार्टी में कई पदों पर उनको जगह दी गई थी। तब वरुण गांधी बीजेपी के महासचिव रहे, इसके अलावा उन्हें पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने प्रभारी भी बनाया। लेकिन 2014 के बाद उनका पार्टी में कद घटना शुरू हो गया, तब उन्हें पार्टी के महासचिव पद से भी हटा दिया गया। तो ये लगातार गिरावट थी उनको जो जिम्मेदारियां दी जा रही थी, उनका कद बीजेपी में लगातार कमजोर होता चला गया। वरुण की राजनीतिक एंट्री ने सियासी दिग्गजों को हैरान कर दिया था। वरुण गांधी फरवरी 2004 में बीजेपी की सदस्यता लेकर राजनीति में आए, उस वक्त उनकी उम्र महज 24 साल थी। कहा जाता है कि प्रमोद महाजन ने गांधी परिवार की काट खोजने के लिए मेनका वरुण को बीजेपी में शामिल कराया। उस वक्त के राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद महाजन ने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी को वरुण मेनका के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी दी थी। अटल आडवाणी दोनों इस सूचना से चौंक गए थे। महाजन ने ही वरुण को राजनीति में आने और बीजेपी में शामिल होने को लेकर प्रेरित किया था। महाजन का तर्क था कि सोनिया राहुल को पब्लिक में जो भावनात्मक सपोर्ट मिल रहा है, वरुण मेनका के आ जाने से ये नहीं मिलेगा। 16 फरवरी 2004 को तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने मेनका वरुण को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। गांधी नेहरू परिवार के होने के बावजूद वरुण बीजेपी में शामिल हुए, इस पर कई सवाल भी उठे। लेकिन यह माना जा रहा था कि परिवार में जो दूरियां हैं वो इतनी स्पष्टता के साथ में रखने के लिए मेनका गांधी तैयार थी कि बेशक बीजेपी में वो जाने के लिए तैयार, यानी राजनीतिक रूप से भी अदावत दिखाने में, दूरियां दिखाने में उनको कोई आपत्ति उस वक्त नहीं थी। उनका निर्णय सही भी था, जो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिला। दो दो बार सांसद बने हैं, लगातार मेनका गांधी सांसद बनती रही हैं, एक बार मंत्री भी रही हैं, और पार्टी में जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि वरुण गांधी को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बीजेपी ने दी हैं। अब जो धीरे धीरे ग्राफ गिरना है, अब जरूरत खत्म हो जाना है, वो बड़ी बात है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी की अब वो आवश्यकता बीजेपी को नहीं है जो पहले हुआ करती थी। क्यों? अब पार्टी में निश्चित तौर पर जो समीकरण बनाने के लिए जुगाड़ तुगाड़ करके कुछ लोगों को लाकर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की गई थी, वो स्थिति नहीं है। ये पार्टी जो है अब बिल्कुल अलग अंदाज में देखने को मिलती है। पहले तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तीन महत्वपूर्ण चेहरे दिखाई पड़ते हैं। सारे निर्णय जो है इनके इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। फिर दूसरी कड़ी में बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण चेहरे आते हैं जिनमें युवाओं में धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, ऐसे कई चेहरों को आप सामने रख सकते हैं। संगठन को भी इसी तरह से विस्तारित किया गया और कई पुराने चेहरे हैं जो किनारे हो चुके हैं, जो आडवाणी जी और लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के चेहरे थे। मेनका गांधी एक ऐसा ही चेहरा थी, डिसीजन ये कभी भी प्रधानमंत्री मोदी का नहीं था वरुण गांधी को लाने का। तो ये भी माना जाता है कि वरुण गांधी का और मेनका गांधी का पतन जो है वो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ज़्यादा शुरू हुआ। फिर भी उत्तर प्रदेश में जब उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही थी तो उसके बाद में फिर ये नाराजगी और बढ़ गई। तो धीरे धीरे, और ऐसा लग भी रहा है कि जितनी ज़रूरत वरुण गांधी मेनका गांधी को बीजेपी की है, उतनी ज़रूरत बीजेपी को इन दोनों की नहीं है। बहरहाल ये बात भी सही है कि इन दोनों के जाने से दो बड़ी सीटें प्रभावित होती हैं, पीलीभीत और सुल्तानपुर। आपने देखा अल्टरनेट दोनों ही जगह पर मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों का ही जोर चलता है। मेनका गांधी इस विषय पर कुछ नहीं कहती हैं, वो उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया, वो बीजेपी के साथ बनी हुई है। लेकिन वरुण गांधी क्या अपना रास्ता अलग बना सकते हैं, या ये दो सीटें कांग्रेस के लिहाज से, समाजवादी पार्टी के लिहाज से, किसी भी पार्टी के लिहाज से अगर महत्वपूर्ण रही और बीजेपी को हराने के लिए यहाँ पर इन दोनों ही सीटों पर कोई नया समीकरण बना तो ये नुकसान की बात हो सकती है। देखिए, लोकसभा चुनाव में दो सीटें भी बहुत अहम है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, एक एक सीट पर मेहनत हो रही है, एक एक सीट पर मेहनत हो रही है। लोकसभा उपचुनाव के दौरान आपने देखा कि कैसे मैनपुरी पर पूरी मेहनत की गई, ये तो उपचुनाव की बात थी, लेकिन सांकेतिक रूप से एक एक सीट बहुत अहम है और उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही ज्यादा अहम है।
आइए अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी हाईकमान के आंखों के तारा रहे वरुण गांधी 10 साल में ही हाशिए पर कैसे चले गए। इसकी तीन बड़ी वजहें, लालकृष्ण आडवाणी के लिए रैली का आयोजन 2013 में नरेंद्र मोदी दिल्ली की सियासत में आने की तैयारी में थे, इसी बीच आडवाणी के लिए वरुण गांधी ने यूपी में रैली का आयोजन किया था, इस रैली को आडवाणी के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया था, इसके बाद से ही वरुण नरेंद्र मोदी की गुड बुक से बाहर हो गए थे। गोवा अधिवेशन के बाद से लालकृष्ण आडवाणी का दौर बीजेपी में खत्म हो गया। हालांकि वरुण को सुल्तानपुर से और उनकी मां को पीलीभीत से संसद का टिकट जरूर मिला। सरकार बनने के बाद मेनका गांधी को एक बार मंत्री भी बनाया गया, पिछली बार जो पहला कार्यकाल था, लेकिन वरुण बिल्कुल साइडलाइन रहे, यानी ये लालकृष्ण आडवाणी के खास माने जाते थे, ये भी एक कारण माना जाता है और शायद इसी वजह से बाहर होगा। अब दूसरा कारण, इलाहाबाद अधिवेशन में शक्ति प्रदर्शन से हाईकमान खफा हो गया था। जून 2016 में बीजेपी ने यूपी के इलाहाबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन रखा। इस कार्यकारिणी में वरुण गांधी ने समर्थकों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। पूरे शहर में वरुण के मुख्यमंत्री के दावेदारी वाले पोस्टर लगा दिए गए। वरुण के इस पोस्टर से बीजेपी हाईकमान इतने नाराज हो गए कि 2017 के यूपी चुनाव में उन्हें प्रचार के लिए स्टार प्रचारक तक नहीं बनाया गया, बुलाया ही नहीं गया उनको, स्टार प्रचारक छोड़े उनसे प्रचार ही नहीं करवाया गया। अब मुख्यमंत्री छोड़ो, अब आपके चेहरे की जरूरत नहीं है। वो अपनी ताकत दिखा रहे थे, अपनी दावेदारी ठोक रहे थे और उनको किनारे कर दिया गया। यानी वो एंटी शुरू से रहे हैं, उनको अभी कोई सही ठोर ठिकाना नहीं मिल रहा। और ये बात सही है कि इस बार उनको शायद टिकट भी ना दिया जाए, इस बात की भी चर्चा बहुत तेज है। और हो सकता है कि सीटों के गणित से या उनकी ताकत को देखकर अपने क्षेत्र इतना कहा जाए कि भाई आप सांसद बनते हैं, आप संसद में जाते रहिए। लेकिन क्या इतने भर से वरुण गांधी मेनका गांधी संतुष्ट होंगे, ये भी बड़ा प्रश्न है। खैर, थोड़ा आने वाले दिनों में जवाब मिल जाएगा। एक तीसरा बड़ा कारण है, किसान आंदोलन पर पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी तक कर दी थी वरुण गांधी ने, ये तीसरा बड़ा कारण है नाराजगी का। मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जब पूरे देश में आंदोलन हुआ तो वरुण पार्टी लाइन से आगे बढ़ गए। उन्होंने सोशल मीडिया और अखबारों में लेख के जरिए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। हालांकि आंदोलन को देखते हुए बाद में मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया, और ये बड़ी हार थी, एक तरीके से इसको हार की तरह विपक्ष ने रखा। वरुण के पास अब क्या विकल्प है? केंद्र और राज्य में सरकार होने के बावजूद वरुण गांधी बीजेपी में हाशिए पर हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी में उनकी उपयोगिता का न होना है। मोदी के चेहरे और शाह की सांगठनिक कुशलता की वजह से बीजेपी लगातार जीत रही है। ऐसे में आने वाले समय में भी वरुण को शायद ही पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, तो अब उनके पास ऑप्शन क्या है? एक समय वरुण गांधी ने कहा था, कांग्रेस में गया तो सत्ता का लोभी करार दिया जाऊंगा, ये भी उनका बयान आया, लेकिन बहुत पुरानी बात हो गई। पर मैंने आपको कई रिपोर्ट में बताया कि वरुण गांधी और कांग्रेस का मेल कोई बेमेल गठबंधन नहीं दिखाई देगा। वरुण गांधी अगर जाते हैं तो उनकी सही जगह वो दिखाई पड़ेगी, बहुत आसानी से उनको जज्ब किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस इसके लिए कितनी तैयार है? गांधी परिवार का वो दूसरा हिस्सा, सोनिया गांधी जी इसके लिए कितनी तैयार है? मेनका गांधी इसके लिए कितनी तैयार है? ये परिवार का वो हिस्सा है जिन पर एक काफी बड़ा निर्णय टिका होता है। लेकिन अब जैसा मैंने कहा, अगली पीढ़ी में प्रियंका, राहुल, वरुण, और प्रियंका और वरुण गांधी की अच्छी बातचीत अब भी होती है, ऐसा मीडिया सोर्सेस कहते हैं। राहुल गांधी को भी कोई वरुण गांधी से ऐसा परहेज नहीं, तो ये तीनों भाई बहन अगर एक साथ एक मंच पर आते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, बहुत आसानी से सहजता से इसको लिया जाएगा। कांग्रेस का फायदा, वरुण गांधी के प्रभाव वाली सीटें और उत्तर प्रदेश में कमजोर होती कांग्रेस को मजबूत करने में वरुण गांधी फायदा पहुंचा सकते हैं। वरुण गांधी का फायदा, वरुण गांधी का कोई फायदा हो ही नहीं रहा बीजेपी में, हो सकता है इस बार टिकट भी ना मिले, तो हो सकता है कि वो अपनी राजनीति को नए सिरे से निखारने का प्रयास करें। उनको राजनीति करने का या अपने कद को मजबूत करने का एक और मौका मिल सकता है, और कोई बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है। जो नुकसान है उससे बचना ही अपने आप में वरुण गांधी के लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है, यानी आगामी दिनों में कोई बड़ा नुकसान और ना हो। 2004 में बीजेपी की करारी हार के बाद वरुण गांधी से कांग्रेस में जाने को लेकर एक बार सवाल पूछा गया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर मैं कांग्रेस में गया तो सत्ता का लोभी करार दिया जाऊंगा। 19 सालों में राजनीति जो है वो पूरी तरह बदल चुकी है। कांग्रेस केंद्र की सियासत में मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं रह गई है। वरुण के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कई बार मीडिया में खबरें छपती रही हैं, लेकिन अब कांग्रेस को भी जरूरत है। देखिए, ये भी देखने वाली बात है, एक समय था कि जब कांग्रेस में जाना एक बड़ी चुनौती होती थी, बड़े बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, तो खाली हो गई सीटें बहुत सारी और कांग्रेस खुद ही अपने रिवाइवल में जुटी हुई है। अब राहुल गांधी जो है थोड़ी बहुत रफ्तार पकड़े हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद, तो उनको भी जरूरत है मजबूत हाथों की, खासतौर पर तब जब उनकी अपनी टीम बिखर गई हो।
सचिन पायलट रहते हैं जाते हैं का सवाल खड़ा हो, ज्योतिरादित्य पहले ही जा चुके हैं, कोई युवा दिखाई नहीं देते, दोनों बहन भाई मेहनत कर रहे हैं, साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश ऐसे जो विश्वसनीय नेता हैं या कमलनाथ हैं और दिग्विजय सिंह हैं, सब दिखाई देते हैं साथ, तो कांग्रेस को भी जरूरत है। तो सवाल है वरुण गांधी का सियासी भविष्य क्या होगा और क्या कांग्रेस के साथ होगा उनका भविष्य। पिछले दिनों वरुण गांधी को लेकर राहुल गांधी से भी सवाल पूछा गया था, हालांकि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर फैसला छोड़ दिया था। वरुण के कांग्रेस में शामिल होने का ऑप्शन जरूर है, लेकिन यूपी की सियासत में इसके लिए राह आसान नहीं है। कांग्रेस यूपी की परंपरागत अमेठी सीट भी हार चुकी है, ऐसे में वरुण कांग्रेस में आ भी जाते हैं तो उनका सियासी भविष्य क्या होगा, इस पर सस्पेंस बना रहेगा। वरुण के क्षेत्रीय पार्टी में शामिल होने की उम्मीद कम है, इसकी बड़ी वजह उनका राष्ट्रीय चेहरा होना, यानी समाजवादी पार्टी में वो जाएंगे या सिर्फ सांसद बनने के लिए वो आगे के प्रयास करेंगे, थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि अब अगर वो इतना सोच रहे हैं, इतनी बगावत अपनी पार्टी से कर दी, तो कुछ बड़ा ही सोच रहे होंगे। अगर वरुण गांधी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा को एक मजबूत सहयोगी मिलेगा और देश के सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस को मजबूत करने का आधार मिलेगा, जिसके बारे में शुरुआत में भी डिटेल में मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को वरुण गांधी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपनी परंपरागत सीटों को बचाने में, उत्तर प्रदेश में पहले से बेहतर स्थिति बनाने में कांग्रेस कामयाब हो सकती है रिवाइवल के लिए, क्योंकि आप देखिए वरुण गांधी के साथ में कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं और वरुण गांधी को लेकर बनारस में भी काफ़ी नारे लग चुके हैं, ये भी ध्यान रखें कांग्रेस की तरफ से भी लग चुके हैं कि परिवार जोड़ो, यानी कुल मिलाकर वरुण गांधी को लेकर एक पॉजिटिव वाइब्स कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। तो दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन दिखती है या फिर दोनों के लिए फायदे का सौदा दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब कांग्रेस क्या निर्णय लेती है, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या निर्णय लेते हैं और वरुण गांधी ने अभी तक बीजेपी को जो संदेश दिए हैं उसके बाद क्या वो स्पष्टता के साथ में बीजेपी को छोड़ने का भारी कदम उठाते हैं, ये कुछ सवाल हैं। इनके जवाबों के साथ ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि अगले चुनाव के पहले वरुण गांधी और राहुल गांधी साथ साथ में आए, हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा इन लोगों को कि इसके लिए बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए, जब तक ये फायदा उठाना है अभी जो समय चल रहा है, खासतौर पर पश्चिम से पूरब की जो यात्रा निकलेगी, जो भारत जोड़ो यात्रा का एक्सटेंशन है, उसके पहले कोई निर्णय होता है इसकी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।